हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज की हमारी वीडियो है डॉग इचिंग प्रॉब्लम को लेकर। डॉग को जो इचिंग प्रॉब्लम है, जो खुजली है, खारिश है, जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है डॉग के अंदर के वो उसे खारिश कर करके छील देता है। सो इस चीज़ का हल बहुत ही ईजी है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस इस प्रॉब्लम का हल बहुत ही ईजी है, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इसका हल क्या है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि इसका हल ये नहीं है कि मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूं और आप वो फॉलो करो। जो प्रॉब्लम है, जो की है, वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे डॉग के अंदर आ कहाँ से रही है, हमारे डॉग को ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा, हम इस साइकिल में घूमते रहेंगे, आपके डॉग को प्रॉब्लम होगी, जो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, आप वो अपने डॉग को लगाओगे, आपका डॉग ठीक हो जाएगा, फिर से उसको होगी, फिर आप लगाओगे, वो ठीक हो जाएगा, इसी सर्कल में आप घूमते रहेंगे। सो गाइस इतनी बिजी लाइफ में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले ये जानना है कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, हमारे डॉग को ये चीज़ क्यों हो रही है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें आपके डॉग को क्यों होती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स फॉर एग्जाम्पल रैशेज हो गए, इसको जो खारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है डॉग को, और इतनी ज्यादा होती है कि वो खारिश कर करके छील देता है, बाल उतार देता है, इवन दो इसकी स्किन से जो है वो बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, स्किन नजर आना शुरू हो जाती है, रेड रैशेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है डॉग की स्किन पे। तो ये सारे स्किन इन्फेक्शन जो है ये डॉग को क्यों होते हैं यही मैं आपको बताने वाला हूं। दैट इज द मेन पॉइंट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें मेन चीज क्या होती है। गाइस जब भी डॉग को कोई स्किन प्रॉब्लम होती है उसका सबसे पहला रीजन यही होता है, डॉग का डाइट इनटेक जो है, आप उसको डेली इनटेक कुछ ऐसा दे रहे हो जिससे उसको एलर्जी है। हमेशा एलर्जी की वजह से ही डॉग को स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, और एलर्जी डॉग को हमेशा मीठे से, नमक वाली चीज़ों से या मिर्ची वाली चीज़ों से, टेस्ट की जितनी भी चीज़ें हैं डॉग को उससे प्रॉब्लम होती है, और वही कॉज होता है उसकी स्किन में जितनी भी एलर्जीज हैं, जितने भी इन्फेक्शंस हैं, वही पैदा करते हैं। सो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप अपने डॉग की डाइट में डेली में कितना उसको मीठा दे रहे हो, कितना उसको नमक दे रहे हो, कितना उसको मिर्ची दे रहे हो। आई रिकमेंड यू कि तीनों में से कोई भी चीज़ आपको नहीं देनी, डॉग को बिल्कुल स्ट्रेट खाना देना है जिसमें ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिकन बॉयल करके दें, कोई भी नमक, मिर्ची या मीठा डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे आप इसी सर्कल में घूमते रहेंगे। सो गाइस सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अपने डॉग को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी जिसमें नमक, मिर्ची या मीठा हो। ये तो हो गई प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि डॉग, आपने अक्सर देखा होगा डॉग जगह को गीला करके अगर आप उसको पानी डालते हैं वो पानी गिरा के उसके ऊपर बैठ जाएगा। सो गाइस ये भी प्रॉब्लम होती है कि डॉग को इससे भी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉग का जो बालों का कोट है, जो उसकी स्किन है, वो गीली रहती है, गीला होने की वजह से डॉग को स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये आपने अपने डॉग को बिल्कुल नहीं करने देना, गीली जगह पे उसे नहीं बैठने देना। गर्मियों में बैठ जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका डॉग हर टाइम ही वहाँ बैठा रहे तो इसका मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई स्किन प्रॉब्लम है। अगर आपके डॉग की स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वर्स है, बहुत ज़्यादा ही वर्स हो गई, तो प्लीज़ अपने वेट किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी एनिमल के डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपको वो उसका प्रॉपर हल बता सके। सो गाइस ये सारे कॉजेज हैं डॉग के स्किन इन्फेक्शंस के, जो कि मैं आपको अवेयर करना चाह रहा था कि आपको पता होने चाहिए। सो गाइस अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके डॉग को इचिंग या कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, आपने मेडिकल स्टोर से कहीं पे भी जाके आइवरमेक्टिन नाम का इंजेक्शन है, मैं दोबारा बता देता हूँ, आइवरमेक्टिन नाम का इंजेक्शन है, वो आपने लेके आना है, अपने डॉग को लगाना है, मसल्स के अंदर ये लगता है। जो लोग शौकीन हैं, जो काफ़ी साल से डॉग रख रहे हैं, ब्रीडर्स हैं, उन्हें इस चीज़ का पता है कि ये मसल्स में लगता है, बहुत ईजिली लग जाता है। सो गाइस आपने आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लेके आना है और अपने डॉग को डेली बेसिस पे लगाना है, जब तक उसकी स्किन की खारिश खत्म नहीं हो जाती या कोई भी स्किन इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं हो जाता। डेली बेसिस पे आपने ये करना है। और आपने क्या करना है, जब भी आप अपने डॉग को नहलाएं, आप उसको डेली बेसिस पे, आप नहलाना तो आपने हफ्ते में एक दफ़ा है, लेकिन आपने दिन में एक दफ़ा उसको साफ करके कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, खोपरे का तेल आपने उसको ज़रूर लगाना है, अपने डॉग के पूरे बॉडी पे अप्लाई करें। इससे सवाल ही पैदा नहीं होता आपके डॉग को स्किन प्रॉब्लम हो। अगर बहुत ज़्यादा आपके डॉग को स्किन प्रॉब्लम है, आइवरमेक्टिन इज़ द सोल्यूशन, और अगर नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, तो यूज़ कोकोनट ऑयल, आपके डॉग की वो भी प्रॉब्लम जो थोड़ी सी बढ़ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो गाइज दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो ऑफ डॉग स्किन प्रॉब्लम्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, इट्स टोटली फ्री। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका डॉग जो है इस सोल्यूशन से ठीक हुआ है या नहीं। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।